पार्वती बच कैसे गई? मैंने तो इसे मार दिया था, और यदि ये बच गई है तो फिर वो कौन है जिसके मैं प्राण ले चुका हूं? मां ने कहा था कि इस बार मेरी जीत निश्चित है, और अब जब मैं हार रहा हूं तो वो है कहां? कहां है वो? अशोक के बचने का कोई विकल्प शेष ना बचे। संभवतः महारानी चारुमित्रा भी इसी उद्देश्य से आई थी। मैं लगभग मर गई थी, किंतु देवी की प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली और मैं मृत्यु के मुख से वापस आ गई। सही समय पर मेरी चेतना लौट आई। साक्ष के जीवित रहने के कारण पिछली बार तो अशोक बच गया था, किंतु इस बार मुझसे ऐसे भूल नहीं होगी।
रानी चारू मित्रा के पश्चात इस कक्ष में कौन आया था? ऐसा जीवन चुन लिया है जो मृत्यु से भी बुरा है। तुम्हारा अपराध ही तुम्हारा दंड बन गया है। मैं तो ये सोचने में भी असमर्थ हूं कि तुम्हारे लिए इससे बड़ा और क्या दंड हो सकता है। अब तुम्हें जो भी दंड दिया जाएगा वो स्वयं मगध के सम्राट बिंदुसार द्वारा ही दिया जाएगा। सैनिकों, ले चलो इसे। संभवतः इन सैनिकों को राजकाज ज्ञान नहीं, किंतु आपको तो है। स्मरण है ना आपको? पिताजी ने मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाया था, अपने सारे अधिकार दिए थे, और अब जब सम्राट की मृत्यु हो गई है तो नियम अनुसार मैं क्या हुआ? आप ही मगध के नए सम्राट हैं। आदेश कीजिए। बंदी बना लो अशोक को, बंदी बना लो इन सबको। कोई किसी को बंदी नहीं बनाएगा। लेके जाओ इन सबको। अच्छा है। गया जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। यदि नियति ने मुझे चुना है आचार्य, तो उस दुष्ट के विनाश का मार्ग मुझे नियति अवश्य दिखाएगी। यदि सुशीम को मारना है तो आपको मेरी सहायता की आवश्यकता होगा। एक दुर्बलता है उसकी, अग्नि। यही एक तत्व है जिससे सुशीम जीत नहीं सकता। किंतु सुशीम को मारने में आप मेरी सहायता क्यों करना चाहते हैं?
आपके लिए तो आपका सुशीम ही योग्य था। आप तो सुशीम को ही सम्राट बनाना चाहते थे। वो मेरी भूल थी। आज मुझे आभास हो गया है कि आचार्य चाणक्य का निर्णय उचित था। वो दूरदर्शी थे, मैं नहीं था। मैं स्वार्थी था। आचार्य चाणक्य ने आपका समर्थन किया और मैंने सुशीम का। गुरु चाणक्य ने आपको धूल से उठाकर आपको हिरण बना दिया और मैं ये सोचकर सुशीम का समर्थन करता रहा कि वो तो हिरण है, जबकि वो पत्थर था। आचार्य चाणक्य सदैव कहते थे, सर्प को कितना भी दूध पिलाओ विष ही वमन करता है, रसना उसके स्वभाव में है। परंतु आचार्य ने यह भी कहा था कि प्रायश्चित करने का अवसर सभी को मिलना चाहिए। क्या इतिहास मुझे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्मरण रखेगा जिसने अपने अयोग्य शिष्य का समर्थन तो किया परंतु अंत में भलाई का साथ दिया, अच्छाई की सहायता कर अपनी भूल को सुधारने का प्रयास किया। अशोक, आपने अपने जीवन में अनेक संकटों का सामना किया है, एक जोखिम और सही, आज एक अंतिम और सबसे बड़ा दांव लगाकर देखिए। विश्वास कीजिए मुझ पर। यदि आपने जो कहा खल्लाटक वास्तव में वो सत्य, तो हम सुशीम को केवल इसी प्रकार मार सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप सबको केवल वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहूं। प्रजा की सहायता से एक लंबा चौड़ा गड्ढा खोदना होगा, उसके पश्चात इस गड्ढे को काष्ठ के अंगारों से भरा जाएगा और काष्ठ के अंगारों से भरने के उपरांत इस गड्ढे पर एक रेत की परत बिछाई जाएगी और ऊपर इस प्रकार होगी किसी को भी यह संदेह ना हो इसकी वास्तविकता क्या है। और हम एक प्रलोभन रखेंगे सुशीम के लिए और उसे यहां आने के लिए विवश किया जाएगा। वो प्रलोभन क्या होगा? वो प्रलोभन होगा मैं इस गड्ढे के दूसरे छोर पर मैं स्वयं रहूंगा और मैं चुनौती दूंगा सुशीम को एक द्वंद्व युद्ध के लिए और मुझ तक पहुंचने के लिए सुशीम को इस खड्डे को पार करके आना ही पड़ेगा।